हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th के। अभी जो अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में कौन सा सिलेबस खत्म करना चाहिए। स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जमता नहीं है, या फिर बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो लेकिन जब आप लोग एग्जाम में जाते हो सारे के सारे रिएक्शन सेम दिखने लगते हैं। तो ये आपके साथ नहीं होता है, 50% स्टूडेंट के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि सारे रिएक्शन सेम दिखते हैं। नेम रिएक्शन, इसका नाम उसको चला जाता है, उसका नाम इसको चला जाता है, सारे कार्बन सेम दिखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो देखते हैं पूरा सिलेबस आपको कौन से चैप्टर करने हैं मिनिमम, सो दैट आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, वो सभी के लिए नहीं है, वो ऐसे टाइप के स्टूडेंट के लिए है जिनको ऑर्गेनिक जरा भी पसंद नहीं, जरा भी आता नहीं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ ये वीडियो रहेगा। तो मैं बात करूँ केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, तो आपको पता रहेगा केमिस्ट्री पेपर रहता है 70 मार्क्स का थियोरी एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। लेकिन ये जो पेपर होता है विद ऑप्शन, ये आता है आपको 98 मार्क्स का। तो आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो है 98 मार्क का। तो कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री को, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो केमिस्ट्री में आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक अपना अप्लाइड केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे चार पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। चारों पार्ट को कुछ मार्किंग स्कीम है, मार्किंग सिस्टम है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, ओके। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे टोटल 6 चैप्टर है, ओके। अब ये जो 6 चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड है। तो विदाउट ऑप्शन अगर हम लोग इसका मार्किंग देखेंगे तो 3, 4, 4, 6, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 5 और केमिकल काइनेटिक्स को 4, ऐसा 26 मार्क्स आपका सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को आएगा। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे विद ऑप्शन, क्योंकि आपके हाथ में पेपर जो आने वाला है वो विद ऑप्शन के साथ आने वाला है, तो विद ऑप्शन आपको यहाँ पे 38 मार्क्स रहेंगे, कितने 38, ओके। सो फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे 38 मार्क्स, ओके। अगर आपको सिर्फ पास होना है, अगर आपको ऑर्गेनिक जरा सा भी नहीं आता और अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री भी कर लिया तो भी आपको 38 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 6 चैप्टर करना है, 38 मार्क्स मिलेंगे प्लस आपके प्रैक्टिकल के 25, ओके, तो भी आपके यहाँ पे 60 के ऊपर मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल फंडा है। अब आता है थोड़ा जिसको ज्यादा स्कोर करना है उसके लिए, ओके। तो ये आपका 38 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, ग्रुप 16, 17 और 18, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 टॉपिक आपको आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 को 6, ट्रांजिशन एलिमेंट 6 और कोऑर्डिनेशन को 5, तो टोटल 17। लेकिन विथ ऑप्शन बात करेंगे तो ये चैप्टर आता है आपको 23 मार्क्स, ओके। ये 3 चैप्टर मिला के आपको हो गया 23 मार्क्स। तो इनऑर्गेनिक का सेक्शन अपना हो गया 23 मार्क्स का, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में तीनों भी काफी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर, बहुत इजी, मतलब आपने 2 बार बस रीड कर लिया ये चैप्टर आपके हो जाएंगे। तो बायो मॉलिक्यूल विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स है, विद ऑप्शन 4, पॉलीमर का 3, 4 एंड ग्रीन केमिस्ट्री का 3 एंड 4, तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 12 मार्क। अभी इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 38 प्लस 23 प्लस 12, ओके, सो कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके, सो यहाँ पे 13, ओके, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखो कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे 73। अभी तक हम लोग ने ऑर्गेनिक को टच भी नहीं किया लेकिन अपने मार्क्स इतने हो जाते हैं यहाँ पे 73 मार्क्स, ओके। तो 73 मार्क्स का पेपर आपका बस ये इनऑर्गेनिक, अप्लाइड और फिजिकल केमिस्ट्री से
आने वाला है। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक को हाथ भी नहीं लगाते और अगर आप लोग 73 मार्क्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करते हो, और मैं मान के चलता हूं कि आपको 73 में से भी आपने 10 मार्क का राउंड लिख दिया, तो भी आपको यहाँ पे 63 मिलेंगे, 25 हम लोग मिनिमम ऐड करते हैं, तो भी आप यहाँ पे 88 मतलब आप लोग अप्रोक्सीमेट 85% कैसे भी केमिस्ट्री में जा सकते हो विदाउट डूइंग एनी ऑर्गेनिक। कुछ भी अगर ऑर्गेनिक का नहीं आता तो भी देख लो आप, इसमें मैंने पूरा पूरा सिस्टम आपको दिया है कैसे करना है। ओके, अब बात करेंगे ऑर्गेनिक के बारे में। जो बच्चों को ऑर्गेनिक आता है वो लोग जरूर यहाँ पे ऑर्गेनिक करें। ऑर्गेनिक भी है 25 मार्क्स का विद ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा ऐसा अपना प्लानिंग है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी जो बच्चे हैं अक्टूबर के फेज में, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया, जिनको पता नहीं है, समझ नहीं रहा है कैसे अप्रोच करें, सबसे पहले आप लोग क्या करो, अक्टूबर का टारगेट, अक्टूबर में आप लोग मिनिमम, क्योंकि अभी दिवाली का छुट्टी आ रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है पूरा खत्म करो। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में सपोज आपके कोचिंग में या क्लासेस में या कॉलेज में अगर कोई भी चैप्टर नहीं हुआ, सपोज आपका थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ, तो उसको फिलहाल स्किप कर दो, बाकी तो कर लो। ओके, तो सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री करो, उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, अगर आपने अक्टूबर एंड तक मतलब 30th अक्टूबर तक फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक किया, तो भी आप लोग 38 प्लस यहाँ पे 23। ओके, सो यहाँ पे आप लोग 60 मार्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आप लोगों को इतना तो प्रिपेयर करना चाहिए टिल अक्टूबर एंड। अक्टूबर एंड के बाद मैं फिर से एक वीडियो आप पे आपके रिलीज करूंगा, जहां पे आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इतना तो पढ़ लो, और यही आपका मार्किंग सिस्टम होने वाला है। पढ़ाई भी कैसे करना है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 1 मार्क के क्वेश्चन सारे पढ़ लो, उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन सारे पढ़ लो, उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन सारे पढ़ लो, और ऐसे करते करते आप 4 तक जाओगे, ठीक है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, मतलब अगर आपने अभी स्टार्ट किया सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन के 1 मार्क के पढ़ो, आयन इक्विलिब्रियम के 1 मार्क, ऐसे करके क्वेश्चन वाइज आपको पढ़ना है। तो 1 मार्क सारे चैप्टर के हो गए, फिर सारे चैप्टर के 2 मार्क पढ़ो, 2 मार्क सारे चैप्टर के हो गए, फिर सारे चैप्टर के 3 मार्क्स पढ़ो, फिर 4 मार्क्स पढ़ो। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपका रिविजन जो है या फिर जो स्टडीज है वो 30 के पहले ये 6 के जे चैप्टर प्लस ये इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हो जाएंगे। अगर आप लोग ये 6 और ये 3 भी चैप्टर करते हो तो भी अप्रोक्सीमेट 60 मार्क का प्रिपरेशन आप कर लेते हो आउट ऑफ 70। तो ध्यान दो, बहुत आसान है केमिस्ट्री में स्कोर करना, बहुत ईजी है, ट्राई करो अच्छे से अच्छा पढ़ने का, और अक्टूबर एंड का टारगेट जो है लेके चलो, उसको कंप्लीट करो। जिनका भी कंप्लीट होगा वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि कंप्लीट टारगेट हो गया, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।